गाइस, आई एम दीपक कटारिया एंड आई एम बैक विद द न्यू व्लॉग। सो जैसे लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि यहाँ की जो विंटर्स है वो बहुत टाइम तक रहती है, तो अभी समर आ गई है एंड यू कैन सी द वेदर, दैट इज़ सो नाइस। और सनी डे है तो आप देख सकते हो। अभी मैं हैमिल्टन आया हूँ तो हैमिल्टन का तो जो नज़ारा है, मतलब पूरा जो पीछे आप देख रहे हो वो लेक व्यू है और उसके पीछे जो है वो सीएन टावर का जो भी मतलब व्यू है वो दिखेगा आपको। तो आप देख सकते हो पूरा वेदर कितना अच्छा लग रहा है। मतलब समर भी इतनी बुरी नहीं होती यहाँ की, बट बहुत कम टाइम के लिए होती है। नज़ारा भी देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, सनी वेदर, इट्स नाइस। हैमिल्टन में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो घूमने के लिए बहुत अच्छी हैं, जैसे कि ये एक ऐसा टिप पॉइंट है जिसमें आपको पूरा हैमिल्टन देखने को मिलता है। इवन आपको पीछे का टोरंटो का लेक व्यू भी देखने को मिलता है, तो दैट इज़ नाइस। सो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो ये वाला मेरा जो वीडियो है, मैं थोड़ा लेट अपडेट कर रहा हूँ, बट आई थिंक सो वही बात है कि अगर मैंने कार पहले खरीदी थी और मैं आप बता रहा हूँ तो अच्छी बात है कि मैं उस एक्सपीरियंस को अच्छे से शेयर कर पाऊँगा। तो मैंने कार बाय की थी इन मंथ ऑफ मार्च, सो आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो नाउ एंड शेयरिंग माई एक्सपीरियंस की अगर हम कार बाय कर रहे हैं कि न्यू कार बाय कर रहे हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वो पॉइंट्स पे बात करने से पहले मैं सबसे पहले दिखाता हूँ कि मैंने जब कार बाय की थी तो कुछ मतलब क्लिप्स मैंने बनाई थी वो सब ऐड करता हूँ। रोहित भैया और ऋषभ अभी जी ने मेरी गाड़ी न्यू कार के लिए जो भी रिचुअल्स किए थे उसका भी मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था एंड थैंक्स टू बोथ ऑफ देम एंड दे गाइज आर ऑलवेज देयर फॉर मी एज अ फैमिली, सो थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। तो पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद हम मिलते हैं एंड सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आज मैं जा रहा हूँ मेरी न्यू कार लेने एंड कल ही मैंने मेरे घर का ड्राइववे साफ़ किया था। कल रात को दोबारा से स्नो हो गई थी, मैंने कल शाम को ड्राइववे साफ़ किया था कि चलो भाई ड्राइववे और पार्किंग वगैरह साफ़ कर देते, गाड़ी को पार्क करना पड़ेगा, बट स्नो ने पूरा काम ख़राब कर दिया। दोबारा से पूरी स्नो हटानी पड़ेगी तभी गाड़ी पार्क हो पाएगी। कि आप देख सकते हो ये हमारा पार्किंग एरिया ये वाला, तो इस एरिया में हमें जगह चाहिए मतलब गाड़ी पार्क करने के लिए। जो कुछ पॉइंट्स हैं अगर हम कनाडा में एक न्यू कार बाय कर रहे हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है कि हमारी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, क्योंकि सबसे मेन जो पॉइंट है वो क्रेडिट हिस्ट्री। अगर हमारी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो वी कांट बाय अ कार हेयर। और क्रेडिट हिस्ट्री के लिए हमें स्टार्टिंग से हमारा क्रेडिट पेमेंट टाइम टाइम पे करता होना चाहिए। दूसरा, अगर हम कोई भी चीज़ बाय कर रहे हैं, अगर फ़ोन भी बाय कर रहे हैं, तो उसमें क्रेडिट हिस्ट्री बहुत मेन रोल रखती है। तो जैसे कि हम कार की बात कर रहे हैं तो मेरी कार में मेरा जो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने रखा वो ये था कि मेरी क्रेडिट हिस्ट्री इतनी मतलब नॉट सो गुड बट इट्स गुड एंड इट्स हेल्प मी कि जब मैं बात करने गया था तो उन लोगों ने जो मेरे को इंटरेस्ट रेट बताई थी दैट इज़ आई थिंक 4.5 एंड आई गॉट माई कार इन 3.9, सो दैट इज़ गुड। और मेरा जो बैंक था स्कोशा बैंक, सो स्टार्टिंग से मैं लाइक फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर आई एम विद स्कोशा बैंक। सो स्कोशा बैंक ने मेरा क्रेडिट अप्रूव किया था, लाइक मेरी फाइनेंसिंग अप्रूव की थी, सो दे अप्रूव मी एट 3.9 और बेसिकली मेरे को जो स्टार्टिंग में जो ऑफर दिया था वो था 4.5 का, तो दैट इज़ नाइस। दूसरा जो पॉइंट है, अगर हम कोई न्यू कार बाय कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम लोग उसका डाउन पेमेंट कितना करें और हमें वो बाय वीकली कितने पड़ने वाली है। तो डाउन पेमेंट भी अगर हम डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो दैट इज़ नाइस थिंग, क्योंकि डाउन पेमेंट अगर हम कर रहे हैं स्टार्टिंग में तो हमारे पास अच्छा एक ऑप्शन होता है कि हमने कुछ मनी हमारा पहले रख दिया है कार के लिए और फिर थोड़ी सी हमारी जो मंथली या बाय वीकली जो भी हमारा इंटरेस्ट या फिर मंथली बाय वीकली जो भी पेमेंट होती है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल। फिर मैं बात करता हूँ कि मैंने निसान या फिर ऐसी कार क्यों बाय की जिसका बजट लाइक नियर बाय 30,000 और 32,000 था, एज़ पर इंडियन रुपीज़ इट विल बी लाइक इट इज़ 15 लाख।
सो नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि मैंने निशान क्यों बाई की, और दूसरा ये है कि अगर तू सोच रहा है कि भाई मैंने 15 लाख की कार बाई की है तो कनाडा में कुछ भी नहीं है 15 लाख की कार, हम उसको मंथली पे कर रहे हैं तो दैट इज़ नथिंग, क्योंकि लोगों के पास बहुत महंगी महंगी कार्स होती हैं यहाँ पे, इवन स्टूडेंट्स के पास भी होती हैं। तो मेरा जो ऑप्शन था वो मेरे अकॉर्डिंग मैंने लाइक मेरे लिविंग एक्सपेंसिस को देखते हुए मैंने ऑप्शन लिया, क्योंकि अभी भी मैं कार के लाइक मंथली मैं 300 पे कर रहा हूँ और फिर इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ 376, और फिर फ्यूल भी होता है और गाड़ी सर्विसेज भी होती हैं, तो वो मेरे को मंथली $1000 पड़ रहा है, तो उसमें मेरी सेविंग्स मुझे देखनी होती हैं, घर का रेंट भी होता है, तो उसको लेके मैंने ऑप्शन लिया। दूसरा, अगर हम सोच रहे हैं कि हम कोई ऐसी मसल कार या टू डोर कार या फिर कोई भी रेसिंग कार बाय करते हैं, तो मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि मैंने वो ऑप्शन क्यों नहीं रखा, क्योंकि उसमें ये होता है कि हमारा मंथली जो एक्सपेंसिस होता है या फिर मंथली जो भी पेमेंट होती है कार की वो इंक्रीज हो जाती है, और वो कम से कम $500 होती है। और जैसे कि मैं मान लो किचन होटल में रहता हूँ, तो यहाँ पे इंश्योरेंस बहुत कम है। अगर हम जाते हैं ब्रैम्पटन साइड में, तो वहाँ पे तो इंश्योरेंस इतनी है कि आपकी जो मंथली कार की जो पेमेंट है उससे भी ज़्यादा आपकी इंश्योरेंस होती है। तो ये एक्सपेंसेस भी होते हैं लोगों के, और वो ऑप्शन भी चूज़ करते हैं, बट दैट इज़ नॉट माई ऑप्शन, क्योंकि मैंने लिविंग एक्सपेंसेस देखे और मुझे सेविंग्स भी करनी है। तो एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्क होल्डर जिसको भाई सेविंग्स भी रखनी है, तो ये कार्स के ऑप्शन अच्छे हैं, जैसे निशान, एलेंट्रा या फिर होंडा की कार्स भी अच्छी हैं, जो आपको कम इंटरेस्ट रेट में अच्छी कार्स मिल जाती हैं और अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं। तो एक स्टूडेंट अगर कार बाय कर रहा है, तो आई थिंक $40,000 तक उसका ऑप्शन तक जाना एक अच्छा रहेगा उसके लिए। फिर हम बात करते हैं, अगर हम कार बाय करें तो कौन से ऑप्शन हमें देखने चाहिए। हमें गैप इंश्योरेंस लेनी ही लेनी है, क्योंकि अगर कल को कार को कुछ भी डैमेज होता है या फिर कार स्टोलन हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो गैप इंश्योरेंस हमारी इसमें ये हेल्प करती है कि अगर कार की जो भी रीसेलिंग प्राइस है या फिर जो भी प्राइस हमने बाय की थी उसके अकॉर्डिंग हमें मतलब कुछ पैसे कम नहीं मिलेंगे, मतलब जो भी हमें रिफंड मिलेगा उन लोगों से वो एक अच्छी प्राइस मिलेगी अगर हम गैप इंश्योरेंस रखते हैं। तो दूसरा, हम अगर कार बाय कर रहे हैं तो जिस भी सेलर से बाय कर रहे हैं तो हमें एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए। उसमें डिपेंड होता है कि हमारी कार कुछ किलोमीटर्स के बाद अगर कोई दिक्कत आ रही है तो दे विल हेल्प अस, तो वो भी हमें देखना है कि वो लोग हमें एक्सटेंडेड वारंटी प्रोवाइड करा रहे हैं या नहीं। फिर हम बात करते हैं कि अगर कोई भी कार जो हम बाय कर रहे हैं उसमें कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ के अकॉर्डिंग अगर हम सेफ्टी फीचर्स देखें, तो बेसिकली ये सब लोग यही देखते हैं कि सनरूफ होनी चाहिए या फिर मोस्ट ऑफ थिंग जो चीज़ें ऑटोमेटिक होनी चाहिए, हीटेड सीट्स होनी चाहिए, क्योंकि विंटर्स में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि काफ़ी कार में हीटेड सीट्स हैं, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट, वो चीज़ भी हम नोटिस करते हैं। फिर बात है कि अगर हम कार विंटर्स में बाय कर रहे हैं तो ऑलवेज ट्राई करना कि आप लोग विंटर टायर साथ में ले लो, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऑफर दे देते हैं उस टाइम पे। फिर नेक्स्ट ये होता है कि अगर हम विंटर कार विंटर में अगर बाय नहीं कर रहे हैं, नियर बाय समर जैसे मैंने बाय की, तो मैंने विंटर टायर्स नहीं लिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट 7-8 मंथ्स मुझे विंटर टायर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि स्नो मतलब ठंड तो रहती है बट स्नो लेट आती है, तो उनकी मुझे लोड नहीं पड़ेगी, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है मेरे लिए, मैं उनको लेटर बाय कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक खर्चा मेरे लिए कम हुआ कुछ टाइम के लिए। लास्ट में मैं ये पॉइंट भी ऐड करना चाहता हूँ कि जहाँ तक बात है कार की इंश्योरेंस की, तो आई थिंक वी शुड ऑलवेज ट्राई सम ऑप्शंस लाइक व्हेन एवर वी आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार। तो हमें 4-5 लोगों के पास जाना चाहिए, फिर हमारे पास 4-5 ऑप्शन होने चाहिए एक इंश्योरेंस बाय करने के लिए, कि हम ऑनलाइन भी चेक करें, TD वगैरह की भी चेक करें, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जो हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं, जैसे ओनलिया, TD या मैनुलाइफ, सो ये लोग हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर हम जब भी कार बाय करें, तो जब भी आपको कार इंश्योरेंस लेनी हो, तो ट्राई करना कि आप कार और होम इंश्योरेंस दोनों एक साथ लें। उसमें बेटर ये होता है कि अगर आप एज अ टेनेंट या फिर एज अ रेंट पे कहीं पे रह रहे हैं, तो आपके पास एक होम इंश्योरेंस भी होगी और कार की इंश्योरेंस भी होगी, और वो थोड़ी सी चीप हो जाएगी आप लोगों के लिए अगर हम होम इंश्योरेंस ऐड करवाते हैं। तो अगर आप जब भी कार बाय करो, तो प्लीज़ 4-5 जगह ऑप्शन ट्राई करना, क्योंकि वो ऑब्वियसली मतलब उनका भी एम ये होता है कि वो अपने कस्टमर्स को कम रेट प्रोवाइड करें। तो एक ही बंदे के पास मत जाना, 4-5 जगह जाना, फिर प्राइसेस कंपेयर करना और फिर ट्राई करना, क्योंकि बहुत से लोग आपको बेस्ट ऑप्शन देते हैं, जैसे कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस ऐड कर देते हैं या विंटर टायर्स ऐड कर देते हैं, तो ऐसे कुछ ऑफर्स होते हैं या फिर ऐसे कुछ कोड्स होते हैं वो ऐड करके आपकी इंश्योरेंस कम हो जाती है। तो ये सब चीज़ें भी आप नोटिस करना या फिर पॉइंट में रखना जब आप कार बाय कर रहे हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग, एंड आई होप यू गाइज लाइक माई लास्ट वीडियोज ऑल्सो, एंड ऐसे ही मैं नए नए कंटेंट लाता रहूँगा। अगर किसी और को कुछ भी पूछना हो या फिर कोई भी मतलब कुछ भी क्वेश्चंस हो न्यू कार बाय करने से रिलेटेड, तो गाइज यू कैन कमेंट मी एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, हियर इज माई इंस्टाग्राम ID, वहाँ जाके आप मेरे को DM कर सकते हो, मैं आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करूँगा और आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।